So this particular poem, To Mother, it is based on generation gap, right? This is from the point of view of a girl who is asking her mother not to instruct her too much. कि मुझे मेरी जिंदगी अपने नजरिए से देखने दो, मेरे ऊपर इतनी सारी तोहमतें ना लगाओ जो नानी ने आपके ऊपर लगाई और पर नानी ने नानी के ऊपर लगाई. सो शी जस्ट वॉन्ट्स टू लिव हर लाइफ हर वे. और बेसिकली दिस इज अबाउट जनरेशन गैप, वॉट द ट्रेडिशनल पीपल, वॉट द एल्डरली पीपल थिंक एंड हाउ द चिल्ड्रन टेक इट. फॉर एग्जाम्पल, यंग बच्चों को हमेशा लगता है हमारे ऊपर एक्स्ट्रा रिस्ट्रिक्शन लग रही हैं, बट एल्डर्स का पॉइंट ऑफ व्यू हमेशा डिफरेंट होता है. दे आर ऑलवेज ओवर प्रोटेक्टिव टुवर्ड्स द यंगर चिल्ड्रेन. वो रिस्ट्रिक्टेड नहीं होते, वो ओल्ड व्यूज के नहीं होते, वो ऑर्थोडॉक्स नहीं होते. दे आर ओवर प्रोटेक्टेड फॉर द यंगर जनरेशन. सो मदर, डोंट, प्लीज डोंट, डोंट कट ऑफ द सनलाइट विद योर सारी स्प्रेड अक्रॉस द स्काई ब्लांचिंग लाइव्स ग्रीन लीव्स. तो इन इस स्टेंजा में बच्ची मदर को एड्रेस करके कह रही है कि डू नॉट कट ऑफ द लाइट, लेट मी सी द लाइट माई सेल्फ. मुझे अपने पल्लू में छुपा के मत रखो, दुनिया से अलग मत रखो, मुझे दुनिया को देखने दो. एंड लेट मी लिव इट विद माई ओन एक्सपीरियंसेस. डोंट से यू आर 17 ऑलरेडी. मुझे ये मत कहो कि तू ऑलरेडी 17 साल की हो गई एंड यू हैव टू अमेंड योर वेज. डोंट फ्लैश योर सारी इन द स्ट्रीट, डोंट मेक आईज एट पासरबाइज, डोंट बी अ टॉमबॉय राइडिंग द विंड्स. तो मुझे ये मत बोलो कि लड़कों की तरह दौड़ती भागती ना रहे, टॉम बॉय की तरह मत बिहेव कर. मुझे ये मत कहो कि आते जाते को मत देख. मुझे ये मत कहो कि साड़ी फहराते हुए मैं स्ट्रीट में ना चलूं. इट मींस अगर एक छोटा बच्चा साड़ी पहन रहा है तो डेफिनेटली दिस पोम इज रिटन बाय अ साउथ इंडियन पोएट. एंड यस, दिस इज रिटन बाय ए के रामानुजन इन कनाडा एंड इट इज अ ट्रांसलेशन दैट वी हैव. Don't play that tune again that your mother, her mother and her mother had played on the snake charmer's flutes. So do not repeat the things that your mother once repeated. Your mother once told you and then her mother must have told her ki jo pushton se chali aa rahi pratha hai na ki hum instructions dete rehte, wo kehti please do not do that to me. Had played on the snake charmer's flute into the ears of nitwits like me. Nitwits होते हैं जो foolish, थोड़े immature बच्चे होते हैं, silly हरकतें करते हैं. तो वो कहती मेरे ऊपर वो सारी चीजें मत थोपो. Do not explain all those things to me again. The next stanza is, I am just spreading my hood. कि अगर snake का पीछे आया है image, तो यहाँ वो कह रही है कि अभी तो मैंने अपने फन फैलाने शुरू किए हैं, right? अभी तो मैंने सिर्फ move out करना शुरू किया है. I'll sink my fun fangs into someone and lose my venom. Let go, make way. कि ultimately होगा क्या? What a snake does. Snake अपना फन फैलाता है, उसके बाद अपना जहर किसी में छोड़ता है and then it goes away. तो कहती let go, make way. मुझे मेरे तरीके से रहने दो. Do not instruct me too much. Circumambulating the holy plant in the yard, making rangoli designs to see heaven. Turning up dead without light and air, for God's sake, I can't do it. So what are the things that a girl is expected to do? Holy plant here refers to tulsi, ki tulsi mata ki puja ho, tulsi ke paudhe ki puja ho, uske charo or prakarma ki jaye, that is circumambulating, uske aaspaas prakarma kari jaye, rangoli ke design banaye jaye aur usme se bhagwan ki image ko dekha jaye. तो अक्सर गर्ल्स को ये रिलीजियस चीजें करनी पड़ती हैं, बट वो कह रही है कि प्लीज आई कैन नॉट डू इट, आई एम अ मॉडर्न गर्ल, मुझे ये सारी चीजें एक्सपेक्ट मत करो. बट मॉडर्निटी का मतलब यहां ये नहीं है कि आप ट्रेडिशन को नकार दो, आप ट्रेडिशन को बिल्कुल ही कह दो कि ये हमारे लायक नहीं है. अल्टीमेटली जो ट्रेडिशन को भूलता है, दोज हु फॉरगेट हिस्ट्री, दे आर कंडेम्ड टू रिपीट इट. तो मॉडर्निटी का मतलब ये है कि अगर वो चीजें ये नहीं भी करेगी, उसके दिल में इन चीजों के लिए श्रद्धा कम नहीं होगी, जो एग्जैक्टली इट मींस. और वो कह रही है कि लेट मी हैव द लाइट, लेट मी हैव द एयर, डू नॉट कन्फाइन मी टू द फोर वॉल्स ऑफ द हाउस. मुझे मेरी तरीके से जिंदगी को एक्सपीरियंस करने दो. ब्रेकिंग आउट ऑफ
द डैम यू हैव बिल्ट. तो अदरवाइज क्या होगा, आप जो मेरे ऊपर बैंड लगा रहे हो, जो डैम बिल्ट किया है, उसको मैं ब्रेक करके बाहर आऊंगी. स्वेलिंग इन अ थंडर स्टॉर्म रोरिंग थ्रू द लैंड लेट मी लिव वेरी डिफरेंट फ्रॉम यू मदर. तो वो कह रही है कि मुझे आप जैसी लाइफ नहीं जीनी, मुझे आपकी तरह घर पे नहीं रहना, मुझे बाहर जाना है, अपनी पोटेंशियल को साबित करना है. ये कामों के लिए मेरे मन में है प्रयास, ठीक है, ट्रेडिशन है, आई विल बिलीव इन ऑल दीज थिंग्स, बट डू नॉट एक्सपेक्ट मी, डू नॉट इंस्ट्रक्ट मी, रिस्ट्रिक्ट मी कि मैं सिर्फ यही काम करूं और मैं अपने आप को अपनी असली पोटेंशियल को रियलाइज ही ना करूं. सो वो यहां साफ साफ कह रही है लेट मी लिव, मुझे जीने दो, वेरी डिफरेंट फ्रॉम यू, आपसे अलग, मतलब आपकी जैसी जिंदगी मुझे नहीं जीनी. लेट गो, मेक वे, मुझे जाने दो, अपना रास्ता खुद बनाने दो. दैट्स वॉट शी इज सेइंग हियर. And this can be used as the summary, central idea or gist of the poem. So the speaker, who is a girl of 17, tells her mother not to cover her face with sari and thus prevent her from seeing the sunlight. She asks her mother not to give her instructions. The young daughter tells her mother not to play the role that her mother had played when she, her mother, was a young girl. The speaker says that she is just trying to learn the things in her own way. She uses the symbol of a snake that dances on the tune of a flute player. She does not want to dance on the tunes of her mother. Like it, she will sink her fang into someone and lose her venom. She says she cannot do what she is expected to. She says that she wants to break the dam of convention built around her. She would like to move like a thunderbolt roaring through the land. She asks her mother to make way for her and let her live her life on her terms in her own way. The poem is thus about generation gap, the traditional outlook of the mother, and the modernity of the young girl who wants to see the world through her own eyes. She does not want to depend upon anyone. But here the main important point is, yes, the poem is about liberation, about breaking the convention, but parents' role in the grooming of children cannot be ignored. Thank you very much.